Hey guys, welcome back to my channel. I am Krrish. So guys, आज का जो वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है. मेरे एक सब्सक्राइबर है काकुन मिश्रा, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी बहुत टाइम पहले एंड अभी रिसेंटली वापस उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज मैम मेरा जो है रिक्वेस्ट आप पूरा कर दीजिए. एंड उनका रिक्वेस्ट है कि मैं उनको बताऊं कैसे जो है वो रुमाल हैंकी फोल्ड करे एंड होल्ड करे जब वो मैरिज में हो एंड जब वो पॉल्यूशन वाली एरिया में हो एंड प्लस ऑफिस में हो. तो ये मुझे सारी जो है चीजें उनको बतानी है कैसे वो अपनी हैंकी को होल्ड करे फॉर पॉल्यूशन प्रोटेक्शन, बिकॉज हम हमेशा अपने आप को ट्राई नहीं कर सकते हैं पॉल्यूशन में, इसीलिए होल्ड भी कैसे करना है वो भी बताना है एंड मैरिज में भी अपने हैंकी को कैसे रखना है वो भी बताना है. सो गाइस, उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि मैं उनके साथ साथ बॉयज के साथ साथ गर्ल्स के लिए भी ये जो है स्टाइल बताऊं कैसे जो है अपनी हैंकी को कैरी करे फॉर पॉल्यूशन एंड ऑफिस के लिए अगर वो जा रही है. तो नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ कैसे जो है आप अपनी हैंकी को कैरी करते हैं नॉर्मल वे में. सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगे एंड थोड़ा सा जो है अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा. एंड अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना करें. सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं. तो मैं फर्स्ट आपको बता दूं बॉयज के लिए कैसे जो है आप अपनी हैंकी को कैरी करें फॉर पॉल्यूशन. सो मैंने लिया ये व्हाइट कलर की हैंकी. अब मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे जो है फोल्ड करना है. सो आप इसको फर्स्ट स्टेप से ले लीजिए एंड इसको आपको फोल्ड करना है, एकदम बराबर फोल्ड करना है इसको, कुछ ऐसे आप देख लीजिए, कुछ ऐसे आपको फोल्ड करना है. एंड आपको फर्स्ट जो है साइड लेके इसको एकदम फिर से बराबर फोल्ड करना है. सो गाइस, ये कुछ इस टाइप का आपका बन जाएगा. अब आपको इसे फिर से फोल्ड करना है बराबर एकदम, एंड फिर से आपको इसे बराबर फोल्ड करना है. सो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप पॉल्यूशन में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बहुत टाइम लोग ज्यादा बड़ी हैंकी नहीं रखना चाहते हैं एंड बॉयज हमेशा जेब में ही अपनी हैंकी रखते हैं. एंड इस टाइप से अगर आप अपनी हैंकी को फोल्ड करते हैं तो ये आपके पॉकेट में भी आराम से आ जाएगा. एंड जब भी आप पॉल्यूशन वाले एरिया में जा रहे हैं तो जस्ट आप अपनी पॉकेट से निकालिए. एंड आपको क्या करना है, फर्स्ट जो है नोज पे इस टाइप से रखना है एंड माउथ पे भी अच्छे से इसको सिक्योर करना है. तो इस टाइप से आप लेके पॉल्यूशन वाली एरिया पे जा सकते हैं एंड ये सबसे ज्यादा इजी है. बस आपको अपनी जेब से निकालना है एंड नोज के ऊपर इस टाइप से पकड़ना है. सो गाइस, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टाइल. एंड सेकंड स्टाइल के लिए क्या होता है कि जब भी अपन पॉल्यूशन वाली एरिया पे जाते हैं तो अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आप अपने फेस को भी कवर करना चाहेंगे. तो फर्स्ट अपन ने ये वाला स्टाइल सीखा कि कैसे जो स्क्वायर एकदम आप अपने नोज पे कर सकते हैं, बट हमेशा नोज पे नहीं करना होता है बिकॉज धूप में भी जाते हैं. तो इसको जस्ट आपको इस टाइप से खोल लेना है एंड खोलने के बाद इस टाइप से आपका आ जाएगा. तो अब आपको बस इसको इस टाइप से पकड़ना है. ये आपके फेस को भी कवर कर रहा है, आपके नोज को भी कवर कर रहा है, आपकी माउथ को भी कवर कर रहा है. सो इस टाइप से आपको पकड़ लेना है एंड आप कहीं भी जा सकते हैं. सो ये हो गया हमारा सिंपल वे. इसी दोनों स्टाइल को आप ऑफिस में भी जो है ट्राई कर सकते हैं जब पॉल्यूशन हो, तो दोनों स्टाइल आपके लिए इजी रहेगी. फर्स्ट स्टाइल ये वाला एंड सेकंड स्टाइल ये वाला, तो ये दोनों स्टाइल आपके लिए इजी रहेगी फॉर ऑफिस एंड फॉर पॉल्यूशन जहां भी आप जा रहे हैं. एंड ये आपको धूप से ही बचाएगी. एंड अभी आपको बता दूं फॉर मैरिज गाइस, शादियों में जाते हैं तो आप इस टाइप से हैंकी नहीं पकड़ सकते हैं एंड हाथ पे भी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज शादी में जा रहे हैं तो आपको एकदम टिप टॉप होके जाना पड़ता है. सूट वगैरह आप कैरी करते हैं, कोटी पहनते हैं, तो उसके साथ आप इस टाइप से हैंकी नहीं ले सकते. सो गाइस, आज मैं बताऊंगी कि आप जो है अपनी हैंकी को कैसे जो है पॉकेट स्क्वायर बना सकते हैं. एंड हैंकी से पॉकेट स्क्वायर बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, बट मैं आपको आज इससे बताऊंगी. ये भी एक पॉकेट स्क्वायर का ही जो है क्लोथ है. अब आपको क्या करना है गाइस, बहुत ही सिंपल स्टाइल में आपको बताने वाली हूँ, एकदम इजी वे में आप कैसे जो है पॉकेट स्क्वायर बना सकते हैं आपके कोट या कोटी के लिए फॉर मैरिज. एंड ये आप अपना हैंकी ले लीजिए कुछ इस टाइप से. अब आपको इसे मिडिल से पूरा फोल्ड करना है, कुछ इस टाइप से एकदम बराबर फोल्ड करना है आपको. एंड इसको थोड़ा प्रेस करके अच्छे से जो है फोल्ड कर लीजिए कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं. एंड अब इसको अपन को मिडिल से फिर से फोल्ड करना है, कुछ इस टाइप से आपको फिर से फोल्ड करना है. एंड आप देख सकते हैं इसका कुछ इस टाइप का लुक आएगा. तो गाइस, अभी आपको सबसे ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो ओपन वाली साइड होती है ना, वो आपको हमेशा अंदर की साइड रखनी है आपके जेब के. सो इसके लिए सबसे ऊपर वाली साइड है वो क्लोज है, आप देख लीजिए. अब आपको लेना है
इस साइड का एक साइड। अब आपको इसे हाफ फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं इसको आपको इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है। आप देख लिया होगा आपने अच्छे से एंड ये फ्रंट से कुछ ऐसा लगेगा। अब आपको करना है इस साइड को भी हाफ फोल्ड कुछ इस तरीके से। आपको इसे प्रेस करते रहना है ताकि आपका जो पॉकेट स्क्वायर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टडी लगे एंड वो बिल्कुल भी खराब ना हो। एंड आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपका जो है पॉकेट स्क्वायर दिखेगा। बहुत ही इजी वे में आपको आज मैं बता रही हूँ एंड देखिए ये जो नीचे वाला एरिया है आपको इसको इस टाइप से फोल्ड करना है एंड ये आपका पॉकेट स्क्वायर तैयार है गाइस। एंड ये तैयार है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अब आपको इसे जस्ट अपने पॉकेट में सेट कर लेना है एंड थोड़ा सा जो है विजिबल रखना है आपको एंड आपका जो कोट का लुक है बहुत ही ज्यादा अच्छा आने वाला है। सो ये हमारा जो है पॉकेट स्क्वायर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी आप नॉर्मली जो है अपने कॉटन के मतलब हैंकरचीफ से कैसे जो है पॉकेट स्क्वायर इसी टाइप का पॉकेट स्क्वायर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली अपन वैसे ही करेंगे, इस टाइप से आपका जो हैंकरचीफ ले लीजिए। अब इसको आपको फुल बराबर एकदम फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से एंड इसको फोल्ड करने के बाद आपको फिर से इस टाइप से फोल्ड करना है। आपने देख लिया होगा किस टाइप से मैंने फोल्ड किया है, मैं वही वाला पॉकेट स्क्वायर आपको बनाना बता रही हूँ। अब आपको इसे जस्ट फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, आपको पता चल रहा होगा कुछ इस तरीके आपको फोल्ड करना है एंड सेकेंड वाले साइड को भी आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। सो गाइस इट्स डन। अब जो लेंथ वाली साइड है आपको पता है कि हमारा जो हैंकरचीफ होता है वो नॉर्मल पॉकेट स्क्वायर से बड़ा होता है, हैंकरचीफ बहुत ही ज्यादा स्क्वायर में बहुत बड़ा होता है। तो इसको मैं कैसे करूंगी फोल्ड, इसको फर्स्ट मैं इस टाइप से लूंगी, इस टाइप से फोल्ड करूंगी एंड इसको फिर से मैं फोल्ड करूंगी। तो ये आपके पॉकेट स्क्वायर को बहुत ही अच्छे से स्टडी रखेगा एंड अगर आपका पॉकेट स्क्वायर फिर भी बहुत ही ज्यादा फ्लम्जी हो रहा है, आपका रुमाल थोड़ा सा जो है ओल्ड है फ्लम्जी हो रहा है, तो आप यहाँ पे एक अच्छा सा सेफ्टी पिन या फिर जो है पॉकेट पिन आता है जो अपना कोट पिन आता है उसको अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये आपका पॉकेट स्क्वायर कहीं नहीं जाने वाला है एंड आप देख सकते हैं ये हमारा पॉकेट स्क्वायर रेडी है बनके। इस टाइप के पॉकेट स्क्वायर को आप एकदम ब्लैक कोटी के साथ जो है यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये व्हाइट है तो आपके ब्लैक कोटी के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड जो मैंने ये वाला पॉकेट स्क्वायर आपको बताया है थोड़ा डार्क वाला, तो इसे आप एकदम लाइट कोटी के साथ या लाइट कोट के साथ यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा एंड दोनों आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड ये वाला सच में पॉकेट स्क्वायर के लिए, एंड ये वाला मैंने आपको DIY बताया कि आप अपने नॉर्मल हैंकरचीफ को कैसे जो है यूज कर सकते हैं फॉर पॉकेट स्क्वायर एंड ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है गाइस। जब भी आप अपने जो है पॉकेट स्क्वायर को ये हैंकरचीफ से बना रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि मैं अपने हैंकी को कैसे यूज करूंगा इसके लिए, बिकॉज खाना खाने के बाद एंड थोड़ा सा जो है पसीना आ रहा है तो आपको चाहिए होगा कि आपकी हैंकी आपके साथ रहे। सो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप ये चीज कर रहे हैं लाइक आपने सोचा कि मैंने खाना खा लिया तो अब मैं अपने हाथ कहाँ पे पोछूं, तो ज्यादातर लोगों के पास टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर मैरिज में रखते हैं। फिर भी अगर आपको टिश्यू पेपर नहीं मिल रहा है तो आप अपने पॉकेट स्क्वायर को जस्ट निकालिए अपने जेब से एंड बस आपको अपने माउथ को क्लीन करना है। जैसे आपको इस साइड से क्लीन नहीं करना है जहां से आपका पॉकेट स्क्वायर दिख रहा है, आपको उल्टे साइड से हमेशा पॉकेट स्क्वायर का यूज करना है। तो जस्ट आपको इसको थोड़ा सा जो है वाइप आउट करना है एंड आप अपने पॉकेट स्क्वायर को फिर से जगह पे रख सकते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। सो गाइस ये दो तरीके हो गए हमारे पॉकेट स्क्वायर के लिए, फॉर मैरिज एंड बॉयज के लिए मैंने अच्छे से बता दिया है एंड अब मैं आपको बताती हूँ गर्ल्स के लिए कैसे जो है आप कैरी कर सकते हैं गर्ल्स रुमाल अपना। सो फर्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कॉटन जो है रुमाल से, कॉटन का जो रुमाल आता है उससे। सो फर्स्ट आप अपने रुमाल को लीजिए हैंकी को एंड इसको आपको लेके फोल्ड कर लेना है अच्छे से, जैसे आपको अपनी हैंकी को फोल्ड करना है एंड इसको फिर से फोल्ड करना है इस टाइप से। एंड कभी भी आप बाहर जा रहे हैं मार्केट में तो आप अगर आपको पॉल्यूशन लग रहा है तो आप इसको जस्ट इस टाइप से पकड़ लीजिए अपने नोज पे। सो ये आपको पॉल्यूशन से बचा लेगा एंड सेकेंड स्टाइल है अगर आपको धूप भी लग रही है तो आप धूप के लिए इस टाइप से यूज कर सकते हैं। एंड ये आपके फेस को भी कवर करेगा। सो ये टू स्टाइल हो गए हमारे लिए एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा गर्ल्स थोड़ा टॉवल स्टाइल का भी जो है हैंकरचीफ यूज करती है। ये थोड़ा क्यूट है बिकॉज ये मेरा जो हैंकरचीफ है एंड मुझे थोड़ी क्यूट क्यूट चीजें पसंद आती है। सो मैं हमेशा जब भी हैंकरचीफ लेने जाती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कार्टून बने हुए रहते हैं। सो अगर आपको भी अच्छा लगता है तो एंड फर्स्ट आपको अपनी हैंकरचीफ को इस टाइप से लेना है एंड इस टाइप से उसको फोल्ड करना है।
एंड इसको हम फिर से इस टाइप से फोल्ड नहीं करेंगे बिकॉज ये वैसे ही बहुत ज्यादा मोटा होता है। टॉवल वाली जो होती है वो वैसे ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड जो है बहुत ही अच्छे से आपको कवर करेंगे, तो हम इस टाइप से ले लेंगे इसको एंड अपने नोज पे रख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम, एंड जब भी आप धूप में जा रहे हैं तो आप अपने फेस को इस टाइप से कवर कर सकते हैं, बट मैं जो है इस टाइप से हैंडकरचीफ लेना पसंद नहीं करती। मैं हमेशा फोल्ड वोल्ड करके मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा ऐसे कैजुअली इसको ले लेती हूँ एंड कैजुअली चलती हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा ऐसे हवा खाते खाते जाना अच्छा लगता है, थोड़ा सा जो है अपने यूं पसीना पोंछते हुए, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने हैंडकरचीफ को एकदम कैजुअली लेती हूँ बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे फोल्ड करना करके मुझे कैरी करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरा हैंडकरचीफ हमेशा कैसे भी पड़ा रहता है मेरे पास। सो अगर आपको इस टाइप से भी अच्छा लगता है तो आप अपने हैंडकरचीफ को कैसे भी यूज कर सकते हैं, सो हमेशा यूज कीजिए, हैंडकरचीफ हमेशा साथ में रखिए। सो गाइस एक और चीज है, जब भी आपने देखा होगा कि मैरिड जो है वुमेन्स होती है स्कूल या टीचर्स होती है जो, वो अपने हैंडकरचीफ को जो है साड़ी की कमर पे लगाना पसंद करती है, सो उनके लिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट आप अपनी हैंडकरचीफ को लीजिए एंड इसको इस टाइप से फोल्ड कीजिए एंड इस हैंडकरचीफ को आपको इस टाइप से पकड़ना है। अगर आप जो सेफ्टी पिन यूज करना चाहें तो कर सकती है, तो आपको सेफ्टी पिन जस्ट लेके इसको इनर कॉर्नर से अपने जो है कमर में टक करना है। टक करने के बाद आपका हैंडकरचीफ जो है इस टाइप से आपके कमर में लगा हुआ रहेगा। तो ये चीज है आप जो है मैरिड वुमेन से वो यूज कर सकती है फॉर दिस, एंड कॉटन के साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आपको अपने हैंडकरचीफ को लेना है एंड अगर आप सेफ्टी पिन यूज नहीं करना चाहे तो आप जो है अपने कमर में जिस साड़ी को फोल्ड करते हैं अंदर की साइड, वैसे ही आपको अपनी जो है हैंडकरचीफ को जस्ट ऐसे लेके अपने हैंडकरचीफ को अपने जो है साड़ी के साथ टाई कर लीजिए। सो आपके साथ ये हैंडकरचीफ हमेशा रहेगा एंड जो है ये लुकिंग में बहुत अच्छा लगता है। तो ये दो चीज हो गई साड़ी एंड फॉर गर्ल्स के लिए। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो एंड थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड आई होप मैंने थोड़ा सा जो है जो भी रिक्वेस्ट थी वो पूरी की हो एंड नहीं की हो और थोड़ा बहुत बच गया हो तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा एंड बताइएगा कि कौन सी चीज मेरे से छूट गई है, तो मैं उस पर भी जरूर थोड़ा ध्यान दे के आगे अच्छे से ध्यान दे के वीडियो बनाऊंगी अच्छे से। सो गाइज आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो आज के मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।